मम्मी, तुमने जो बोला था कि तुम आज नई कथरी लेके आओगी, तुम लाई क्यों नहीं? मम्मी, मुझे ना ये फटी हुई कथरी और के सोने में बहुत दिक्कत होती है। क्या करूं बेटा, तू ही बोल। मेम साहब तो कह रही थी कि उन लोगों ने नया कंबल खरीदे हैं और अपना पुराना कंबल फेंक देंगे, पर मैंने उनसे कहा था कि पुराना कंबल ना फेंक के हमें दे देने के लिए। क्या कंबल? कथरी नहीं, कंबल मतलब वो नरम नरम गद्दे जैसा? हाँ रे, वो नरम नरम गद्दे जैसा। क्यों, उसे ओढ़ के सोने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ मम्मी, बहुत ज्यादा। पता है, मैं जब मैदान में खेलने जाती हूँ तब मेरे दोस्त लोग ने मुझे बताया था कि उनके पास भी ऐसा कंबल है। तब ना मुझे सुन के बहुत दुख हुआ था कि मेरे पास वैसा कंबल नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छी हो मम्मी, आप मुझे नया कंबल लाके दोगी। और पता है मम्मी, मैंने सुना है कि वो कंबल एकदम बिल्ली के शरीर की तरह नरम नरम होता है। मुझे वैसा कंबल ओढ़ने का बहुत मन करता है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों के पास उतना पैसा थोड़ी ना है कि हम कंबल खरीदे। हमारा एकमात्र सहारा हमारी फटी हुई कथरी है। देखती हूँ, आज भी मेम साहब को एक बार बोलकर देखना पड़ेगा, अगर वो कंबल देती है तो। हाँ मम्मी, तुम जरा देखो, अगर वो देती है तो बहुत अच्छा होगा, तो फिर आज रात हम दोनों थोड़ा अच्छे से सो पाएंगे। मेम साहब, ओ मेम साहब, असल में आपसे कुछ बात करनी थी। मतलब आप वो बोल रही थी। क्या इतना मतलब कर रही हो, जो बोलना है सीधे सीधे बोलो ना। नहीं मतलब, आप लोगों ने ही तो कहा था कि आप नया कंबल खरीदेंगे, तो अगर आप मुझे वो पुराना कंबल दे देती तो। अरे वो नहीं नहीं, हाँ सोचा तो था कि तुझे दूंगी, लेकिन अब नहीं दे सकती, माफ करना। इसका मतलब क्या यही है कि मेम साहब मुझे वो कंबल नहीं देना चाहती? हे भगवान, गरीबों के जीवन में इतना कष्ट क्यों होता है? बच्ची घर में कितना आशा लेकर बैठी है कि मैं कंबल लेकर जाऊंगी। क्यों शेफाली, क्या सोच रही है इतना? तू एक कथरी और क्यों नहीं सिल लेती है? हाँ, क्या असुविधा है तुझको, सिल लेना, घर में तो बैठी रहती है। तब एक कथरी और सिल लो, तो फिर ऐसे दूसरों से मांगती तो नहीं फिरोगी? कैसे सिलूंगी मेम साहब, मेरे पास तो उतने कपड़े भी नहीं है। अगर कपड़े होते तो मैं कब की सिल चुकी होती। घर में मेरी बेटी बहुत कष्ट से रह रही है मेम साहब, इसलिए अगर एक पुराना कंबल दे देती तो। अरे शेफाली, तू थोड़ा समझ, हमारे घर में जो बच्ची है ना, वो तो बच्ची है, मजबूरन वो जो मांगती है हमें देना पड़ता है। हमारे घर में जिस दिन से उसने देखा है कि वो कंबल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसने तो वो मुझसे ले ही लिया, जबरदस्ती लेकर उसे काट कूट कर वो गुड़िया के कपड़े, कुत्ते के कपड़े और पता नहीं क्या क्या सब बनाने लग गई। अब हम भी मजबूर थे, क्या ही बोले, बच्ची है ना। अब तू तो थोड़ा समझ, अब तक तो उसने वो शायद काट कर खराब भी कर दिया होगा, अब वो फटा हुआ कंबल हम तुझे कैसे दे बोल। इससे अच्छा होगा तू एक कथरी सिल ले अपनी। और जा, तू अभी इतना बात मत कर, जाके थोड़ा बर्तन धो दे जा। हाँ मैम साहब, करती हूँ। क्या है मम्मी, तुम कंबल क्यों नहीं लाई? तुमने तो कहा था कि तुम आज कंबल लेके आओगी। कंबल नहीं लाया जा सकता है बेटा,
अपने घर में जो कुछ है उससे ही खुश रहो। दूसरों की चीजों को पाने का लालच नहीं होना चाहिए। नहीं, लालच नहीं है मम्मी, तुमने ही तो कहा था कि तुम लाओगी, इसीलिए मैं तो कितनी आस लगाए बैठी थी कि आज बिल्ली की त्वचा के जैसे नरम नरम कंबल में सोऊंगी आराम से। अब तुम नहीं लाई तो मुझे बहुत दुख हुआ। चुप करेगी तू? कहा ना मैं कंबल नहीं ला सकती। तब क्या आज भी इस फटी हुई कचरी में सोना पड़ेगा हमको? हमारे पास जो कुछ है उसी में ही सोना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो उसमें बहुत ठंडी लगती है। सब कुछ सहना पड़ेगा। क्या तुझे पता भी है हमसे भी कितने कष्ट में लोग रहते हैं? हम लोग तो फिर भी छत के नीचे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन लोगों के सर के ऊपर छत तक नहीं है। तू तो फिर भी दिन में 4 बार भोजन कर सकती है, पर उन लोगों के नसीब में तो खाना तक नहीं होता है। उन लोगों को कितना तकलीफ होता है ये तो कभी सोचकर देखी है? ऐसा है मम्मी, हमसे भी बुरी हालात में लोग रहते हैं, उनके पास रात में और के सोने के लिए कथरी तक नहीं होती। नहीं होती है। अच्छा बहुत बातें हो गई, अब तुझे खाना खाना है, जाके हाथ धोकर आ। ऐसे ही उनके दिन गुजरते गए। अत्यंत ठंडी वाली रातों में भी उनको वो फटी हुई कतरी ओढ़ के ही सोनी पड़ती थी। घर में कोई है? कोई है घर में? मम्मी तो नहीं है घर में, तुम शाम को आना, शाम को मम्मी आ जाएगी। नहीं रे बाबू, इस सर्दी में शाम को और नहीं आ सकती, तू ही मेरी कुछ सहायता कर दे, मैं वही लेकर चली जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। कुछ दिनों से तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है बाबू, और ऊपर में रात में कितनी ठंड है, ठीक से सो भी नहीं पाती, ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर तू आज मुझे थोड़ा सा चावल दे देती तो मैं रात में वो बनाकर खा लेती। तुम रुको, मैं आ रही हूँ। दादी ये लो, तुम्हारे लिए कुछ चावल है, आज रात में इनको पका के खा लेना। और ये रही कतरी, ये फटी हुई है, लेकिन हमारे पास भी सिर्फ यही है, तुम इसे लेकर जाओ, आज रात में यही ओढ़ कर सो जाना, ठीक है? ये क्या बात है, तू मुझे कतरी दे रही है तो तुम लोग कैसे सोओगे? वो मम्मी कुछ जुगाड़ कर ही लेगी दादी, तुम उतनी फिकर मत करो। पता है मम्मी ने मुझे कहा है कि हमसे भी तकलीफ में बहुत लोग रहते हैं, हमको उनके बारे में सोचना चाहिए। जीती रहो बेटी, तुम जीती रहो, अब मेरे घर के लोग भी मुझे इतना सहायता नहीं करते हैं जितना तुम इस झोपड़ी में रहकर कर रही हो। तुम देखना तुम बहुत अच्छी रहोगी। क्या बात है तितली, तूने क्या चावल के डिब्बे में हाथ डाला था? चावल के डिब्बे के आसपास इतना सारा चावल क्यों बिखरा पड़ा हुआ है? हाँ मम्मी, थोड़ी चावल मैंने ली है। असल में आज सुबह एक दादी आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास खाने के लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं है, और उन्होंने कहा उनको रात में और के सोने के लिए कोई चादर वगैरह भी नहीं है, तो मैंने थोड़ा चावल और हमारी कथरी दे दी। कथरी दे दी से क्या मतलब?
ये फटी हुई कटहरी भी तूने किसी और को दे दी? मैं क्या करती मम्मी, वो दादी बहुत तकलीफ में थी और तुम ही तो कहती थी कि जो लोग हमसे भी ज्यादा तकलीफ में रहते हैं उनकी सहायता हमेशा करनी चाहिए, अपने तकलीफों को भूल के भी उनकी सहायता करनी चाहिए, इसलिए तो मैंने दे दी। अब तक तो शेफाली पूरी टूट चुकी थी। इतनी अत्यंत सर्दी की रात में वो अपने छोटी सी बेटी को लेकर बगैर किसी कथे या कम्बल के कैसे सोएगी, ये चिंता उसे खाए जा रही थी। और जब तक वो छटपटाकर बिस्तर के सामने पहुंचती है, ये क्या है, ये तो मुझे कम्बल सा लग रहा है। तितली सच बता, ये तुझे कहाँ से मिला? मुझे नहीं पता मम्मी, मैं तो यहाँ थी भी नहीं, मैं तो आंगन में मेरी गुड्डियों के साथ खेल रही थी, मुझे नहीं पता। शेफाली को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना सुंदर कंबल कहाँ से आ गया, और ऊपर से उसकी बेटी भी इसके बारे में मान नहीं रही थी। शेफाली तो इस कंबल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। लेकिन जो भी हो, एक मजबूर माँ के लिए ये कंबल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। मम्मी, ये कंबल कितना नरम नरम है, बहुत गुदगुदा है। हाँ बेटा, अब सो जाओ। जिसे दूसरों की तकलीफ में दुख होती है, उसे मैं तकलीफ में कैसे रहने दूँ? हा हा हा।